गणा चलाग ना बने मित्र सीधे हो यहाँ सुधरे गोन्या पराने रा छोड़ दे हैं पर मुले गोन्या जय बाबा की। यदि दोस्तों आप भी इस तरह का वीडियो स्टेटस बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को कम्प्लीटली एंड तक देखना। इस वीडियो में मैं इसी के बारे में आपको बताने वाला हूं। लेकिन दोस्तों उसके लिए आपके पास काइने मास्टर होना चाहिए। यदि आपके पास काइने मास्टर नहीं है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लेना। और इसमें जो भी मटेरियल यूज़ होगा वो सभी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड करके अपना स्टेटस बना सकते हैं। सबसे पहले आपने प्लस के आइकन पर जाना है और 1.1 का रेशो लेना है। उसके बाद बैकग्राउंड वाइट ले लेना है आपने और इसको 15 सेकंड का कर देना है। उसके बाद आपने बैकग्राउंड इरेज वाला फ़ोटो ले लेना है। यदि आपको बैकग्राउंड इरेज करना नहीं आता है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से वीडियो देखकर आप बैकग्राउंड इरेज कर सकते हैं अपनी फ़ोटो का। मैं बैकग्राउंड इरेज वाला फ़ोटो ले लेता हूँ। यहाँ से लेयर पर जाऊँगा, मीडिया ब्राउज़र पर। उसके बाद मैं इसको क्रॉप कर लेता हूँ, इसको एंड तक ले जाना है। उसके बाद क्रॉपिंग कर लेनी है थोड़ी सी इसकी, वो अपनी मर्ज़ी से आप कर सकते हैं, जितना आप रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। थोड़ा जूम कर लेता हूँ, रोटेट कर लेता हूँ अपने हिसाब से, मैं एडजस्ट कर लूँगा इसको। उसके बाद आपने फिर से लेयर पर जाना है, मीडिया ब्राउज़र पर जाना है, यहाँ से ये वाला इफ़ेक्ट ले लेना है। ये भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना। उसके बाद आपने जाना है ब्लेंडिंग पर। ब्लेंडिंग में जाने के बाद आपने स्क्रीन पर क्लिक करना है। उसके बाद इसको एडिट कर लेना अपनी मर्ज़ी से, जिस तरह से आप रखना चाहते हैं। फिर से लेयर पर जाना है, मीडिया ब्राउज़र पर जाना है, यहाँ से शैडो ले लेनी है। ये इसको यहाँ पर सेट कर देना है अपनी मर्ज़ी से, इस तरह से सेट कर देना है और इसको एंड तक ले जाना है। उसके बाद फिर से लेयर पर जाना है, मीडिया ब्राउज़र पर जाना है, यहाँ से अपनी टोपी लेनी है किंग वाली। इसको थोड़ा रोटेट कर लेते हैं इस तरह से, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इसको भी एंड तक ले जाते हैं। उसके बाद आपने लेयर पर जाना है और टेक्स्ट में आपने लिख देना है बैड बॉय, इसको भी एंड तक ले जाना है। यहाँ पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने नीचे की साइड जाना है, ये वाला इफ़ेक्ट ले लेना है यहाँ से, तो इस तरह से हो जाएगा। यहाँ से ब्लैक कलर कर लेते हैं इसका ताकि अच्छे से दिख जाए। उसके बाद इसको रोटेट कर लेते हैं थोड़ा सा इस तरह से, इसको बड़ा कर लेते हैं। उसके बाद थ्री डॉट पर जाकर सेंड टू बैक कर देते हैं। उसके बाद आपने फिर से लेयर पर जाना है, मीडिया ब्राउज़र पर, इस तरह से इसको सेट करना है और एंड तक ले जाना है। ये सभी मटेरियल आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर ये सभी मटेरियल मिल जाएगा आपको। उसके बाद आपने फिर से लेयर पर जाना है, मीडिया ब्राउज़र पर, और यहाँ से आपने लाइट लेनी है। तो मैं यहाँ से लाइट ले लेता हूँ, तो मैं यहाँ से ये वाली लाइट लेता हूँ और इसको एंड तक ले जाता हूँ इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर इसको सेट कर दूँगा यहाँ पर, और उसके बाद आपने ब्लेंडिंग पर जाना है और इसको भी स्क्रीन कर देना इस तरह से। उसके बाद आपने फिर से इस पर क्लिक करना है और लेप एनिमेशन पर क्लिक करना है, फिल्कर कर देना है। उसके बाद आपने फिर से लेयर पर जाना है, मीडिया पर जाना है, यहाँ से एक और लाइट ले लेनी है ये वाली, इसको भी आपने यहाँ पर सेट कर देना है इस तरह से, और इसको भी एंड तक ले जाना है। उसके बाद आपने ब्लेंडिंग पर जाना है, स्क्रीन पर क्लिक कर देना है इस तरह से। उसके बाद आपने और एनिमेशन पर जाना है और फिल्कर कर देना इसको इस तरह से, ये बन जाएगा। उसके बाद आपने फिर से लेयर पर जाना है, उसके बाद आपने इसको डुप्लीकेट कर लेना है, थ्री डॉट पर जाकर डुप्लीकेट, और यहाँ से इसको इस पर सेट कर देना इस तरह से। उसके बाद आपने दूसरी लाइट का भी डुप्लीकेट लेना है, इस वाली लाइट का यहाँ से, और इसको भी यहाँ पर सेट कर देना है, ये इस तरह से बन जाएगा थोड़ा थोड़ा। उसके बाद आपने फिर से लेयर पर जाना है, मीडिया पर जाना है, और यहाँ से लाइट ले लेनी है ये वाली फिर से, और इसको थोड़ा क्रॉप कर लेना है यहाँ से ऐसे, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। एंड तक ले जाना है और इसको यहाँ पर सेट कर देना है। क्रॉप करना है शेप में इस तरह से। उसके बाद आपने ब्लेंडिंग पर जाना है, यहाँ से स्क्रीन कर देना है इस तरह से, और ले पर जाना है, फिल्कर कर देना है इसको। हम बड़े उसमें देख लेते हैं एक बार, इस तरह से ये दिखेगा यहाँ पर, आप देख सकते हैं। यदि आप ग्रीन स्क्रीन स्टेटस यहाँ पर डाल देते हैं इस पोर्शन में तो ये काफ़ी अच्छा लगेगा। म्यूजिक लेना है ऑडियो से और कोई म्यूजिक लगा देना है, तो मैं यहाँ से एक म्यूजिक लगा देता हूँ। दोस्तों मैंने म्यूजिक लगा दिया है, तो चलिए दोस्तों मैं इसको प्ले करके देख लेता हूँ।
उसके बाद आपने लेयर पर जाना है, ओवरले पर क्लिक करना है और इस पर आपने क्लिक कर देना है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ से आपने ये वाला इफेक्ट सिलेक्ट करना है, तो ये इस तरह से लगेगा। आप भी इस तरह से लगा सकते हैं, काफ़ी अच्छा जो है आपका स्टेटस बन रहा है। उसके बाद आपने फिर से लेयर पर जाना है, ओवरले पर क्लिक करना है, ये वाला इफेक्ट ले लेना है। उसके बाद इसको यहाँ से थोड़ा क्रॉप कर देना है ताकि ये अच्छे से दिख जाए। तो ये इस तरह से आपका स्टेटस बन के रेडी हो जाएगा। तो आप ऐसे ही अपना व्हाट्सएप स्टेटस बना सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा है। दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।